हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट हमारी जो वीडियो थी एनसीईआरटी की, वो ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस थी। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आई होप आपने सारी प्लेलिस्ट देख ली होगी। और अब इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 भी साथ में ले लेंगे। इसी वीडियो में कवर अप करके हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन व्हाई डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर। क्लोरोबेंजीन की डाइपोल मूवमेंट क्या है, लोअर किससे है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। सबसे पहले तो हमारे पास स्टूडेंट यहां पर क्लोरोबेंजीन बना होना चाहिए। व्हाट इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। एंड व्हाट इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये लीजिए सर, ये रहा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर पता होंगे तभी हमारा काम बनेगा। क्लोरोबेंजीन का मतलब है यहां पर जो कार्बन है, जो हेलोरीन है हमारे पास, और ये हेलोल्कीन है। यहां पर जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। यहां पर जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। व्हेनेवर कार्बन इज हैविंग डबल बॉन्ड, हमने पढ़ रखा है पहले ये चीजें, व्हेनेवर कार्बन इज हैविंग डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। व्हेनेवर कार्बन इज हैविंग सिंगल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। एंड इफ कार्बन इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। इतनी चीज क्लियर है? अब इतना थ्योरी में हमने पढ़ रहा है तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे कि कहता है इसकी डाइपोल मूवमेंट जो है क्लोरोबेंजीन की लोअर है। अब डाइपोल मोमेंट होता है हमारे पास चार्ज इनटू डिस्टेंस। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अब देखो यहां पर एस और पी टू है, इसका साइज कम होगा, इसका साइज कम होगा, इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका साइज कम होगा, इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब मेरे को ये बताओ, डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पे क्लोरीन के बीच में एक रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड बनता है। यहां पर हमको पता है रेजोनेंस होती है हमारे पास हेलोरीन में, यस सर, ये देखिए। तो डबल बॉन्ड मतलब उसका जो बॉन्ड है वो छोटा हो गया, यानी कि ये सीसीएल बॉन्ड क्या हो गया, शॉर्टर। इन हेलोरीन्स कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज शॉर्टर, व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग डबल बॉन्ड करेक्टर। अगर हम ऐसे ड्रॉ करके चेक करें, ये देखिए सर, ये रहा हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ये रहा सर, ऐसा है। अब ये रेजोनेंस में जाता है, देखिए हमारे पास रेजोनेंस में जाएगा तो क्या पिक्चर बनेगी, ऐसा कुछ बनेगा। देखिए ध्यान से, इधर नेगेटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया। देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। छोटा होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, व्हाई, बिकॉज सिंगल बॉन्ड इज हैविंग sp3। अब देखो इसको रेजोनेंस के वे से भी कह सकते हो, sp2 sp3 भी कह सकते हो, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां पर हमारे पास s करेक्टर में फर्क आ रहा है। यहाँ पर एस करेक्टर ज्यादा है, यहाँ पर पी करेक्टर ज्यादा है। एस करेक्टर समझते हैं, यहाँ पर एस की परसेंटेज बता दो मेरे को। देखो एक ही क्वेश्चन के कितने सारे रीजन निकल के आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सीसीएल बॉन्ड छोटा क्यों है, डिस्टेंस क्यों है इसका कम, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, क्योंकि इधर कोई रेजोनेंस तो हो नहीं सकती, रेजोनेंस नहीं हो सकती यहाँ पर। यहाँ पर लोन पेयर तो है, बट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। क्वेश्चन को समझिए, आंसर्स तो मैंने पीडीएफ में दे रखे हैं आपको, पर क्वेश्चंस के आंसर को पहले समझिए, फिर ही मजा आएगा, फिर ही बात बनेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ोगे तो ऑर्गेनिक कभी नहीं भूल सकती। बिना कॉन्सेप्ट के लर्न करना है, बट ऐसे नहीं कि बिना समझे ही कर ले हम चीजों को, समझेंगे। तो इसमें एस करेक्टर, एस की परसेंटेज, एस कितना है हमारे पास, वन, टोटल कितने हैं, 3 × 100। एस की निकाल रहे हैं, 1 है टोटल, पी 2 है, एक एस है, तो 3 = 100, तो कितना रहा, 33%। हेयर एस करेक्टर, इन दिस एस करेक्टर 1/4 × 100, मतलब 25% है। तो एस करेक्टर ज्यादा है इस वजह से हम कह सकते हैं। दूसरा sp2 लिखिए, तीसरा लिखिए कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। इसकी वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या है, कम। डाइपोल मोमेंट कम है, इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। बाकी नोट्स में आंसर्स दे रखे हैं उसको देखिए, अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके पास कहीं भी है तो उसमें यही रीजन एक्सप्लेन कर रखे होंगे। मेरा काम है आपके लिए क्वेश्चन का आंसर इजी करना, ठीक है, क्लियर हो रही है। ड्यू टू ग्रेटर एस करेक्टर एंड रेजोनेंस, ड्यू टू ग्रेटर एस करेक्टर एंड रेजोनेंस इफेक्ट एंड पार्शियल कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड करेक्टर, इट इज हैविंग लोअर डाइपोल मोमेंट एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेल क्लोराइड। लाइन भी बोल दिया मैंने, इसको लिखिए साथ में, इसको ऐसे नोट करिए और आपका आंसर हो गया। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने तीन तीन रीजन दे दिए हैं, क्लियर हो रही चीजें। तो ये डाइपोल मोमेंट वाला हमारा पहला पार्ट इसका हो गया है। सेकंड पार्ट क्या है, अल्काइल हैलाइड थ्रू पोलर, पोलर होते हैं ये, बट आर इमिसिबल विद वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते।
व्हाट डू यू मीन बाय इमिसिबल? जो चीज सॉल्युबल ना होती हो. मिसिबल मींस मिक्स हो गई, इमिसिबल मींस जो मिक्स नहीं हो रही है. अब देखो अल्काइल हैलाइड होता क्या है, आर एक्स, कहता है वाटर के साथ रिएक्शन तो कर जाता है हमारे पास, थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है पर प्रॉपर नहीं होता. एक चीज याद रखिए, वाटर में जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती ना, तब तक वो अच्छे से मिक्स नहीं हो सकता. वाटर किसी भी चीज के साथ बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, व्हेन एवर ओ इज बॉन्डेड विद एच. अब देखो इधर तो वाटर है बट इधर ना ही एच है ना ही ओ है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं ड्यू टू नॉट एबल टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद अल्काइल हैलाइड, देयरफॉर दीज आर इमिसिबल विद वाटर. बाकी पीडीएफ में दे रखा है, पीडीएफ नहीं है तो व्हाट्सएप कर दो, पीडीएफ भी पहुंच जाएगी एनसीईआरटी की. अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है, जो हमने सोल्यूशन, जो मैंने सोल्यूशन लिखे हैं वो थोड़ा इजी करके, एक्सप्लेनेशन जो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ वही इंग्लिश में दे रखा है. तो अगर किसी और रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो उसमें कुछ और लिखा है, रीजंस मिलते ही होंगे. अगर नहीं है पीडीएफ तो मैसेज कर दीजिए, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी. ओके, तो थर्ड है हमारे पास, ग्रिगनार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन. व्हाट इज एनहाइड्रस? जिसमें वाटर ना हो. अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है, आर एम जी एक्स. अगर मैं जनरल की जगह लिखूं, आर की जगह सी एच थ्री, एम जी बी आर, अगर इसको बॉस वाटर मिला थोड़ा सा, जितनी भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है या इसको बनाना है, अगर इसको थोड़ा सा भी वाटर मिला तो ये क्या करता है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहां से इसको एच मिल जाता है, प्लस एम जी को क्या मिल जाता है, ओ एच. अब देखो ये पिक्चर बनेगी, फिर मिथेन बना देगा वो. मीन्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यहां से क्या मिलता है, एच मिल जाता है यहां से. तो इसलिए इसको एनहाइड्रस कंडीशन पर हम इसकी रिएक्शंस करते हैं और एनहाइड्रस कंडीशन से इसको प्रिपेयर करते हैं. क्लियर हो रही है? एनहाइड्रस मीन्स विच इज नॉट हैविंग इवन द ट्रेसिस ऑफ वाटर, पानी का मॉइस्चर भी नहीं है थोड़ा सा. क्लियर हो रही चीजें? तो ये हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, यूजेस लिख रखे हैं. देखियो यूजेस पीडीएफ में मैंने दे रखे होंगे अच्छे तरीके से, यूजेस दे रखे होंगे. आपका काम है थ्योरी वाला क्वेश्चन है, खुद से पढ़िए. वैसे मैं बता देता हूँ फ्री ऑन 12 क्या होता है. जैसे जिस फॉर्म बनती है शेविंग, हेयर स्प्रे जो बनते हैं, हेयर स्प्रे हो गए, शेविंग क्रीम होगी, जिसमें भी फॉर्म बनती हो, झाग बनती हो, वो फ्री ऑन हमारे पास होगा. ठीक है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन हमारे पास होता है, मैंने लिख रखा होगा. आयोडोफॉर्म का सबसे मेन होता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी. इसमें भी जो फ्री आयोडीन होगा वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, और इसको टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं. सब कुछ नोट्स में दे रखा है, उसमें से पढ़िए आप. यूजेस भी लिख रखे होंगे. कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, हमको पता है. क्लियर हो रही है? और डीडीटी इंसेक्टिसाइड्स के जैसे यूज होगा हमारे पास. तो ये प्रॉपर्टी है. और आइडोफॉर्म और फ्रियोन ज्यादा आते हैं एग्जाम में हमारे पास, बिकॉज आइडोफॉर्म रिएक्शन हमको आगे जाके पढ़नी भी है, प्रेपरेशन आगे करेंगे. ऐसा नहीं कि हम इसमें ही प्रेपरेशन करवा दें, इसे ही सारी चीजें करवा दें. जहां जिसकी वैल्यू है वही वही चीजें करेंगे. यहाँ यूजेस पूछे हैं तो यूजेस दे रखे हैं, वो पढ़ लो. वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडोफॉर्म होता है. आइडोफॉर्म मतलब एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है. और इसमें भी आइडोफॉर्म पूरा नहीं होता, आयोडीन जो होता है इसमें फ्री रेडिकल, जो आयोडीन फ्री रेडिकल होता है, या मैं कह दूं आयोडीन फ्री रेडिकल I2 बनाता है, वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है. तो ये वाले यूसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्वेश्चन है, पढ़ लो. हम आगे बढ़ते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 14 मैंने लिख रखा है बोर्ड के ऊपर, स्टूडेंट्स पहले ही लिख लेते हैं ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. कंप्लीट द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट आपको लिखने हैं. सबसे पहली रिएक्शन है आपको एन प्रोपाइल क्लोराइड की NaIC कराइए. फिंकलस्टीन रिएक्शन है, एसीटोन की प्रेजेंस में है, तो सीएल की जगह कौन ले लेगा, आयोडीन ले लेगा. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 आयोडीन. फिंकलस्टीन रिएक्शन स्पेशल मेथड टू प्रिपेयर आइडो प्रोपेन, साथ में NaCl बनता है. व्हाट इज द रोल ऑफ एसीटोन, एसीटोन विल कंबाइन विद NaCl टू गिव प्रेसिपिटेट एंड इट फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन. रीजन पता होने चाहिए जो यहां पर लिखते हैं हम, वो क्यों डालते हैं एसीटोन, डालते हैं ड्राई ईथर, डालते हैं इथेनॉल डाला हुआ यहां पर. अब इथेनॉल है, अल्कोहल आ गया, अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करा रहे हैं अल्काइल हैलाइड से. अब ये जगह इतनी इसलिए छोड़ गया ताकि रिएक्शन को दोबारा लिख ले. ये देखिए यहाँ पर CH3 थ्राइस था और कार्बन के साथ जुड़ रखा है, तो लगाइए तीन CH3 एक कार्बन के साथ. दिस इज Br प्लस अल्कोहलिक KOH. स्टूडेंट्स व्हाट डू मीन बाय अल्कोहलिक KOH, दैट मीन्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. हेलोजन यहां से जाएगा और किसी भी साथ वाली कार्बन से,
हैलोजन की कार्बन के साथ वाली कार्बन, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और फॉर्चुनेटली तीनों के तीनों में हाइड्रोजन सेम है, तो कहीं से भी एच निकालिए, हम यहां से निकाल देते हैं। बनेगा क्या हमारे पास, CH3, यहां भी CH3, और जहां से एच निकालते हैं वहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। मेजर प्रोडक्ट लिखिए, माइनर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर माइनर भी लिख देंगे तो कोई उसमें गलत बात नहीं है, हम अच्छे से रिएक्शंस लर्न हो जाती है। चलिए आगे मूव करते हैं, CH3 CHBr CH2 CH3 प्लस NaOH, बट दिस टाइम NaOH इज हैविंग वाटर, NaOH इज हैविंग वाटर, तो क्या बनेगा, CH3 CH, इसको Br को यहां लिखिए, CH2 CH3 प्लस NaOH विद वाटर, दैट मीन दिस ब्रोमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर एल्कोहल डालते हैं तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है, पीछे वाली रिएक्शन, अगर वाटर डालते हैं, एक्वस डालते हैं, दैट मीन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। स्टूडेंट्स व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 ब्रोमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, ब्यूटेन टू ओल, आई कैन से टू ब्रोमो ब्यूटेन इज चेंजेस इनटू ब्यूटेन टू ओल। क्लियर हो रही है चीजें? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग करना है, इजी क्वेश्चन होता है ये और एग्जाम में आने के चांस भी होते हैं इसके, कंप्लीट द फॉलोइंग एग्जाम में आता ही आता है आपको, बोर्ड के एग्जाम में। चलिए CH3 CH2 Br विद KCN, हमको पता है अगेन साइनो विल टेक द पोजीशन ऑफ Br, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यही लिख देते हैं, CH3 CH2 CN प्लस KBr विल बी आउट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लाइकवाइज वी कैन से दिस Na एंड Cl विल बी आउट, दिस Na एंड Cl विल बी आउट, एंड आई विल हैव एरोमेटिक ईथर हियर, आई विल हैव एरोमेटिक ईथर, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में होती है ये OR के साथ, दिस इज एरोमेटिक ईथर, इथॉक्सी बेंजीन, नाम भी लिखिए साथ में, दिस इज साइनो इथेन और प्रोपेन नाइट्राइल। नॉमनक्लेचर बहुत अच्छे से कराइए, आपका काम है लिखना, मेरा काम मुझे पता है कि इजी करके बताना है, और खुद के नोट्स बनाइए, कॉपी पेन रेडी रखिए, और पहले एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा तो वीडियो को चलने दो, हर एक चीज का सोल्यूशन एक बार जरूर देखिए, ताकि आपको पता लग जाए कि कहीं ऐसा मेथड तो नहीं मैंने बताया जो डिफरेंट हो या इजी हो, उसको अडेप्ट करिए। ओके नेक्स्ट, अल्कोहल वाइल रिएक्टिंग विद SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड इट विल गिव मी CH3 CH2 CH2 Cl, ये लीजिए सर, दिस हाइड्रोक्सी विल बी रिप्लेस बाय दिस Cl इन द प्रेजेंस ऑफ पीरीडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पीरीडीन एज अ बेस। डार्सन रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, जैसे फिंकलस्टीन पहले थी, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, और ये क्या हमारे पास डार्सन रिएक्शन है। नेक्स्ट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां लिख देते हैं, चलिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, बट एरो के ऊपर पर ऑक्साइड डाला हुआ है, दैट मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसने हेलोजन कराया वो इजी से इन चीजों को समझेगा। व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एच विल मूविंग टू दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड Br विल मूव टू दिस, एंड नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हियर, दैट मीन्स नो शिफ्टिंग इज देयर, दैट मीन्स देयर विल बी डायरेक्ट प्रोडक्ट CH3 CH2 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 एंड Br, इज इट ओके। एंड द नेक्स्ट वन, यहां पर परोक्साइड नहीं दे रखा होता, दैट मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल, तो हाइड्रोजन ज्यादा वाली तरफ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारे पास, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और इसके साथ भी देखिए CH3 आ रहा है, यहां भी CH3 आ रहा है, प्लस HBr, बट दिस टाइम वी नीड टू अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल बिकॉज इट इज नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में नहीं है, दैट मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल, एच वी विल गिव टू दैट कार्बन विच इज ऑलरेडी हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड में दोनों साइड देखिए जरा, हाइड्रोजन इधर है, इधर तो है ही नहीं, तो एच उधर जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, इधर तो है ही नहीं, इधर कम से कम एक तो है, और बीयर किधर जाएगा, बीयर विल मूव टू दिस कार्बन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, आप खुद से लिखिए, इसको एक हाइड्रोजन दे दीजिए CH2 आ जाएगा, और डबल बॉन्ड सिंगल में ब्रेक करके इस कार्बन को क्या दे दीजिए, Br दे दीजिए। इस तरह से कंप्लीट द फॉलोइंग अब हमको इजी लगेंगे, हमने कन्वर्जेंस भी देखी है, ये कंप्लीट द फॉलोइंग आ गए, हमने यूजेस भी देखे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस NCERT के कंप्लीट कर देंगे हम,
सारे क्वेश्चंस डालने का प्रॉमिस करा है, तो सारे क्वेश्चंस पार्ट वाइज वीडियोस आपको मिलेंगी। तब तक आप लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और खुद से एक बार सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जरूर लिखिए। और फिर टेस्ट जिस जिस बच्चे को चाहिए, जिनको टेस्ट चाहिए एनसीईआरटी का या हॉट क्वेश्चन चाहिए, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज आप bbhclasses.com पर चाहिए, वहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट सब कुछ अवेलेबल मिलेगा।